हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम एकता की देखने को मिली मिसाल। मुस्लिम युवक के गिरवी मकान को छुड़वाकर हिंदू युवक ने पेश की एकता की मिसाल। आज देश में जहां निवास व नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है, ऐसे में एक शख्सियत ऐसी भी है जो किसी का घर उजड़ने से बचा रहे हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा निवासी अमित भाई भट्ट है, जिन्हें लोग भाई सरकार के नाम से जानते हैं। भाई सरकार ने 18 साल पहले गिरवी रखा घर और वसीयत के कब्जात सुल्तान खां पठान निवासी गुवाड़ी को सौंप दिए। वह इकरारनामा एकता समाचार के सामने ही फाड़ दिया। इसके बदले भाई सरकार ने सुल्तान से केवल ये मांगा कि वो अपने परिवार की परवरिश व बच्चों की शिक्षा का बेहतर इंतजाम करे। भाई सरकार द्वारा इस प्रकार एकता की मिसाल पेश करने पर मुस्लिम परिवार की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिले और दीपावली का नूतन वर्ष इनके लिए खुशियां लेकर आया। सारे परिवार ने अमित भाई का शुक्रिया अदा किया। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा। सागवाड़ा का एक ग्राम पंचायत का एक ऐसा गाँव है गोवाड़ी, जहाँ सर्व समाज निवास करते है और एकता की एक मिसाल आज हमें देखने को मिली। हमारे अमित भाई जो दिल्ली रहते हैं और इन्होंने हमारे मुस्लिम समाज के लिए एक मिसाल, सर्व समाज के लिए एक मिसाल कायम करी। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये एकता की एक मिसाल है। आपके क्षेत्र में और आपके कहीं भी हो, ये चर्चा आप ज़रूर करना। ये हमारे भाई सुल्तान भाई है, जो सुल्तान भाई का मकान गिरवे था, इसी विषय में हमको पूरी स्टोरी बताएंगे भाई अमित भाई। मैं ले चलता हूं आपको, रूबरू करवाता हूं अमित भाई से गोवाड़ी। अमित भाई बताइए, आज आपने जो एक मिसाल कायम करी है उसके लिए हम आपको, पहले तो एकता समाचार की तरफ से हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक मुस्लिम समाज को इसकी जो इनकी जो जमीन थी वो आप वापस कर रहे हो निःशुल्क, वो भी एकता समाचार के माध्यम से। एक चीज़ मैं तो पहले बताना चाहूँगा कि मैं ये इस चीज़ की पब्लिकसिटी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो बने या ये पब्लिकसिटी हो। पर कल भाई ने बताया कि नहीं, ये एक माध्यम है, दूसरे लोगों को भी इसका मैसेज जाएगा, पैगाम जाएगा, दूसरे लोग भी अच्छा कदम उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा। मैंने कहा फिर भी नहीं, मैंने कहा मेरा ऊपर वाला जो देखने वाला है, परवरदिगार है, अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, हम अलग अलग नामों से जानते हैं, मैंने कहा मेरे को उसको दिखाना और किसी को दिखाना नहीं है। इसने बोला कि सोच के देख। तो मैंने कहा एक काम कर, अपन चिट्ठी उछालते हैं, हाँ और ना, कि जो मैं हमेशा उछालता हूँ। मैंने कहा अगर भगवान चाहता है कि ये इस चीज़ इस न्यूज़ को कवर करना है तो हाँ आएगा, अगर वो नहीं चाहता है तो ना आएगा। भाई की बच्ची के साथ मैं चिट्ठी उछला या आया, हाँ। तो आज अपन इसको सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये बात है आज से 18 साल पहले की, जब मैं गवाह के रूप में था और सुल्तान को पैसों की ज़रूरत थी। पैसे की ज़रूरत सभी को पड़ती है। और ये है वसीयतनामा जो कि रख के बंदे ने पैसा लिया, ठीक है। और ये जो उसके बाद जो दस्तावेज इकरारनामा था वो था। तो मेरा शुरू से मेरे को एक चिंता थी कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जिसके पास ये रखा है, कल को उसकी डेथ हो गई तो उसके बच्चे ईमानदार हों नहीं हो नहीं पता, और इसका घर चला जाए। मैं ये नहीं चाहता था। तो उसका जो भी पैसा बनता था, जितना भी, मैं ब्याज 18 साल का पूरा दे के मैंने ये पेपर छुड़ा लिए, जो कि सुल्तान को भी पता है। उसका मूलधन दे दिया अपनों ने, जो 20,000 इसमें लिखा हुआ है, उसका ब्याज 18 साल का उसने लिया, पूरा ब्याज दे दिया। और मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं इस एकता समाचार के सामने इसको फाड़ देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, आज एकता की एक मिसाल। और ये संपत्ति के जो कागजात हैं वो मैं ये सुल्तान भाई को देना चाहता हूँ। और इसके बदले में एक ही चाहता हूँ कि, और इसके बदले में केवल एक चीज़ चाहता हूँ कि अपने परिवार का ध्यान रखना। अब केवल तुम हो, फादर नहीं है, मदर नहीं है, अपने परिवार का ध्यान रखना और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना। मैंने कुछ और सुना था तुम्हारे बारे में, हालांकि मेरे को यूँ था कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करना ये बोलूँगा, पर खुदा न खास्ता वो अल्लाह को प्यारी हो गई, वो ठीक है, वो नहीं है। तो
उनके बारे में मैं नहीं मांग रहा हूँ, बट ठीक है, अपने परिवार का सबका ध्यान रखना और इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा घर तुम्हारा हुआ, आराम से रहो और अच्छे से रहो, ठीक है। समाचार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा राजू भाई का, कि जिन्होंने न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवरिंग किया। और एक समाज को और एक दुनिया को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि क्यों राम और रहीम पे लड़ते हो, क्यों राम रहीम पे लड़ते हो, क्यों मंदिर मस्जिद से में उलझते हो। साला हमसे तो वो कबूतर की जात अच्छी जो कभी मंदिर पे बैठ जाए तो कभी मस्जिद पे बैठ जाए। सुल्तान भाई, बड़ी खुशी की बात है, एक हिंदू मुस्लिम की एक एकता की मिसाल हमें यहाँ देखने को मिली। भाई अमित भाई जो हमारे पुनर्वास कॉलोनी के निवासी है, इनके द्वारा। तो बताइए आप इनके साथ कब से जुड़े हुए थे, वो थोड़ी बताइए हमें। सर मेरे को 22 साल हो गए, उनके पास में ऑटो चलाता था पहले, तो मेरी शादी में मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो मैंने पैसा उनसे उठाया था कागज रख के, तो 15,000 की मेरे को जरूरत थी, तो 15,000 के 35,000 रुपये आज मेरे अमित भाई साहब ने दिए मेरे, और ये मेरे को कागज उन्होंने दिलवाया किसी और से। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया हो रहा है महसूस, आज मेरे को 35,000 रुपये की हेल्प की उन्होंने, और मेरे कागज जहाँ पड़े हुए थे, मेरा घर गिरवा पड़ा हुआ था, उन्होंने मेरा छुड़वाया। हमें एक जानकारी मिली थी कि ये लोगों से मुँह से सुनने में आया था कि ये चीज आप जो है वो पैसा आपके पास था नहीं, आप मकान नहीं ले सकते, नहीं इसके बारे बताइए। जी हाँ सर, मेरे पास मेरी तो स्थिति थी नहीं, मैं पैसा ले सकता था, और मेरा भाई 22 साल के बाद मेरे को मिले हैं, और भाई साहब ने मेरे को सपोर्ट करके मेरा ये कागज वगैरह सब दिलवाए, आज मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ, चिराग भाई और मेरा भाई साहब अमित भाई साहब, दोनों भाई साहब मेरा साथ में है, और 22 साल के बाद मिले हैं हम दोनों भाई। एक मिसाल हमें यहाँ देखने को मिली, हम सबको साधुवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अमित भाई का भी, जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो एक दूसरे का आपसी भाईचारा तोड़ने वाली जो मंशा लोगों की चल रही थी उस पर एक मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके लिए हम एकता समाचार के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसा ही सभी से अनुरोध करते हैं कि आपके क्षेत्र में भी ऐसी एक मिसाल कायम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 साल बाद हमारे भाई अमित भाई यहाँ आए हैं, इनके पूर्व में भी आपने एकता समाचार के माध्यम से दोस्ती की एक मिसाल बादशाह भाई जो हारून बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उप सरपंच साहब हमारे गलियाकोट के, इनसे भी 22 साल पहले मिले, तो वो एकता समाचार का समाचार आप देखिए, उसके अंदर जब ये दोनों भाई मिले तो मिलने के बाद आतिशबाजी की गई, ये एक मिसाल हमारे सागवाड़े की, एकता की मिसाल सागवाड़े क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो सागवाड़े का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जो एकता की एक मिसाल यहाँ पे हमें देखने मिलती, हिंदू मुस्लिम का कभी यहाँ पे कोई ऐसा हुआ ही नहीं, इसके लिए हम सागवाड़ा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं।